वेलकम टू यू न्यू सेशन, यानी आपकी कक्षा की शुरुआत आज जो है नए कक्षा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो आज के शुरुआत में हम आपकी बुक इंग्लिश की बुक से किताब से फर्स्ट चैप्टर यानी पहला पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट पढ़ेंगे चंदा गिनती भूल गया। पार्ट का नाम क्या है? चंदा भूल गया। हाँ देखिए बेटा, आप सभी लोगों को गिनती तो आती होगी ना? यस सर। तो क्या आप बता सकते हो आसमान में कितने तारे हैं? हाँ बेटा। यस नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं बेटा। नो मैम। नो मैम। अच्छा तो आप लोगों की तरह नो मैम आसमान में तारे गिनने के लिए निकला था, लेकिन है ना मैं गिनती तारों को गिनने चला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लेकिन गिनते गिनते तारे को गिनना कोई गिन सकता है? नो मैम। नो मैम। चंदा भी तारे नो मैम रहा, लेकिन सुबह हो गई तारे दिखाई दे और चंदा गिनती भूल गया। बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटा, सभी लोग रीड करोगे मजा आएगा आप लोगों को रीड करने में। हम बुक शेयर कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बुक, कोई भी इधर उधर नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो आप बताइए बेटा। यस यस मैम। कितनी लगा? यस मैम। स्क्रीन पे बुक दिखा? यस मैम। चांद तारों यस मैम। आप लोग संज्ञा शब्द जानते हो ना? संज्ञा शब्द क्या होता है? यस मैम। यहाँ पर बहुत सारे संज्ञा शब्द है, यहाँ पढ़ोगे। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगी। एक बार चंदा ने सोचा कि अपने आस पास टिम टिम करते तारों को गिना जाए। क्या वह इतने सारे तारों को गिन पाया? जानने के लिए मिलकर पढ़ते हैं यह कहानी। प्यारे चंदा अभी गोल मटोल तो कभी थोड़ा मोड़ा पर टेढ़ा मेढ़ा रोज रात में घूमने निकलता। एक बार वह तारे गिनने लगा। 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 50, 3, 311, 1105, 1,12,40,000, 2,00,000, 1,00,000, 201,00,000। चलिए बेटा चलिए साफ हो जाइए, सब लोग माइक बंद रखिए। इस प्रकार से एक दिन की बात है, चंदा आप लोग आसमान में देखते होंगे क्या चंदा एक जैसा दिखाई देता है बेटा? नहीं। नो मैम। कभी टेढ़ा होता है, कभी गोल होता है, कभी आधा आधा गोल होता है, कभी तो थोड़ा सा एक रेखा की तरह दिखाई देता है ना। एक दिन वह तारों को गिनने चला, गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4 इस तरह से 1,12,44,000, 1,00,000 तक गिनती पहुंच गई, लेकिन वह चंद्रमा को नहीं गिन पाया। देख रहे हो यहाँ पर चंदा को गिन रहा है। चलिए यस अभी अभी यस मैम। आप खाने बैठे हो या पढ़ने बैठे हो? जब यहाँ पढ़ाई का समय हो तो आपको कुछ नहीं खाना है, पहले से खा के लिया करते। पढ़ाई के लिए आप बैठे हो तो यहाँ सामने कुछ नहीं खाना। चलिए परी, आप परी परी देखिए यहाँ पढ़िए। चलिए यस मैम।
सुबह हो गई, सूरज बादलों से झांकने लगा और फिर चंदा चंदा गिनती भूल गया। वह रोज तारे गिनता, कभी खुद ही गिनती भूल जाता, फिर गिनना शुरू करता और रात बीत जाती। देख रहे हो बेटा, सूरज जब निकल आया तो चंदा क्या हो गया, चंदा गिनती भूल गया। अब आप बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ, कोई बताए? मैम क्या क्योंकि तारे गिने नहीं जाते। तारा नहीं दिखता। हाँ बेटा, सबसे सबसे अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया है जिसने कि जब सूरज निकल आता है तो तारा नहीं दिखता है, जब तारा दिखा नहीं तो चंदा गिनती भूल गया है ना। रात थी तो तारे उसे दिखाते रहते, तो गिनती गिन रहा था। जब सुबह हो गई तो तारे, जब सुबह निकल आए तो तारे छिप गए, तो चंदा को तो तारे दिखाई नहीं दिए और चंदा गिनती भूल गया और रोने लगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्नति आप पढ़ेंगी? यस मैम। दिन तो चंदा रो ही पड़ा, ये क्या हो जाता है, क्या मैं भूल गया हूँ, कभी गिनती पूरी ही नहीं कर पाता हूँ। चंदा के आंसू टपकते देख सूरज को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात, क्यों रोते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे। बेटा जब सूरज निकल आया और चंदा गिनती भूल गया या रोने लगा है ना, और रो रहा था क्या मैं गिनती भूल गया हूँ, कभी मैं रोज मैं निकलता हूँ गिनने के लिए लेकिन कभी नहीं गिनती पूरी होती है। सूरज निकल आते हैं फिर चंदा गिनती भूल जाता है, तो यह देखकर सूरज को हंसी आ गई है ना बेटा। सूरज हंसने लगा, बस इतनी सी बात तुम रोते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। अब आप बताइए सूरज तारों को कैसे गिनेगा? विधान बताइए सूरज तारों को कैसे गिनेगा? चंदा तो नहीं गिन पाता, सूरज तारों को कैसे गिनेगा? कितने बच्चे हैं उतने ही तारे हैं। बेटा सभी लोगों का वीडियो ऑन रखिए। हाँ चलिए आगे देखिए, सभी को दिख रहा है? ध्यान देंगे सभी yes, को मैं। yes, मैं। अब क्या होता है रमा, आप रीड करेंगी? रमा यस मैम। मैम सूरज बाहर निकला लेकिन आसमान खाली पड़ा था, कहीं एक भी तारा नहीं। सूरज ने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया लेकिन छोटा सा भी तारा नहीं मिला। सिर झुकाए सूरज घर लौट गया, चंदा रूठ गया। जब तक यह नहीं बताओगे कि आसमान में कितने सारे हैं, मेरी तुमसे कट्टी बात नहीं करूंगा। अगले दिन सूरज निकला बादलों से पीछे से झाक झाका चट्टान ने नीचे भी तलाशा, पेड़ के पीछे ताका पर तारे नहीं दिखे, कहीं नहीं। सूरज परेशान शाम पूरे सूरज परेशान शाम हो गई थी, वह थक थक थका हारा
थका हारा निराश होकर घर लौट गया आया। अगले दिन अपनी तलाश जारी रखी और ब्रह्मा स्टॉप हो जाइए। इस प्रकार से सूरज तारे को गिनने के लिए निकला, लेकिन एक भी तारे उसे नहीं दिखाई दिए, है ना। आसमान में उसने झांका तो बादलों के पीछे भी देखा, चट्टान के पीछे भी देखा, पेड़ के पीछे भी देखा, उसे तारे नहीं दिखाई दिए। स्वाति 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 बेटा माइक ऑन कीजिए। यस मैम, बताइए तारे उसे क्यों नहीं दिखाई दिए स्वाति? यस मैम, सूरज को तारे क्यों नहीं दिखाई दिए? बताइए बेटा। मैम तारे इसलिए नहीं दिखाई देते, तारे नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, तारे दिन में नहीं दिखते हैं और सूरज तो दिन में ही आसमान में निकलता है ना घूमने, इसीलिए सूरज को तारे नहीं दिखाई देते। यस मैम। हाँ मैम, ज्यादा रोशनी दिन भी हो गया। हाँ चलिए अब पढ़ेंगे पढ़ेंगे खुशाल खुशाल आप पढ़िए। खुशाल पढ़ता। यस मैम। चलिए पढ़िए बेटा यहाँ से। अगले दिन पहले तो आप पढ़ना ऊपर कीजिए, मोबाइल थोड़ा ऊपर करेंगे तभी तो आपको दिखेगा, एकदम नीचे रख दियो तो आपको कैसे दिखेगा। बढ़िए नहीं पढ़ रहे वेदांत, आप पढ़िए बेटा। पढ़िए। अगले दिन की उसने अपनी तलाश जारी रखी और जब पहुंचा एक छोटे से गांव, ढेर सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान ही उतने ही तारे। स्टॉप बेटा, अब देखिए। हाँ देखिए बेटा, जो है सूरज दूसरे दिन जब धरती पे पहुंचा तारों को देखना, तो वहां क्या हुआ, छोटे से गांव के पास आप सब जैसे छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ दिख रहे हैं ना पिक्चर्स में, वो लोग आपस में नाच एक साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। क्या गाना गा रहे थे? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने तारे, है ना, देख रहे हो? यस। हाँ यस इसको देखकर सूरज दादा को पता चल गया। क्या पता चल गया? आप देखिए बेटा, कितने तारे हैं, कितने तारे हैं। आप रीड करोगी अंशु? अरे अरे वाह, मालूम पड़, अरे वाह मालूम पड़ गया, सूरज घर की ओर दौड़ा दौड़ पड़ा। चंदा मुझे मालूम पड़ गया आसमान में कितने तारे हैं। सच सच कितने हैं? सच कितने
कितने हैं चंदा को? चंदा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सूरज खुशी से बोला, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। अब चंदा वो निकलता है। चंदा और निकलता, रात भर लुका छुपी खेलता। सुबह सुबह बच्चों को जागते देखता और गाता। धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। बेटा अब सूरज को भी पता चल गया, चंदा को भी पता चल गया कि आसमान में कितने तारे हैं, और आप लोगों को भी पता चल गया। पता चल गया ना सभी को? Yes. Yes, ma'am. है ना? तो चलिए काजल गुप्ता आप रीड करेंगी बेटा, सबको रीडिंग करना है। जो लोग रीड कर चुके हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे केवल। चलिए काजल गुप्ता, माइक ऑन कीजिए। जो रीड कर चुका है माइक बंद रखे, उसको बीच में नहीं बोलना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा हम चुप हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। काजल मैम आपकी आवाज कट-कट के आ रही है। अच्छा आवाज कट-कट के आ रही है। मैम आपकी मैम आवाज़ कट कट के आ रही है। आप लोग शांत रहिए, मेरी आवाज अभी। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हाँ चलिए कट कट के आ रही है। शांत रहिए आप लोग। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। मैम आपकी आवाज हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आवाज फंसने लगती है। आप लोग को तस्वीर नहीं बजाना चाहिए। सबको दिख रही है ना बुक? नो मैम, नो मैम। हाँ बेटा सबको दिख रहा है ना? यस मैम। नो मैम। बेटा जिसके मैम बुक नहीं दिख रही है, जिसके यहाँ नेटवर्क मैम बुक नहीं दिख रही है। मैम बुक नहीं दिख रही है। मैम बुक नहीं दिख रही है। किसको दिख रही है? मैम बुक नहीं दिख रही है। नो मैम, मैम बुक नहीं दिख रही है। मैम हमको भी मैम हमें भी नहीं दिख रही है। अच्छा बेटा शांत रहिए। प्रिया बेटा, प्रिया भारती, हाँ हरिया भारती, बेटा देखिए ये ऐसे खड़े में रखती है मोबाइल। खुशहाल ये है परी कुमार। शांत रहो अभी। आर्यन वर्मा,
क्लास में पढ़ते आर्यन वर्मा पढ़ते हैं। आर्यन वर्मा आप चलिए रीड कीजिए। आर्यन वर्मा वर्मा आर्यन वर्मा ये तो देवे आर्यन अमन गुप्ता आप लोग को भूख नहीं दिख रही है? यस मैम। तुम भूख से लेती हो ना भूख से? लेट कीजिए। मैम बुक नहीं दिख रही है। मैम बुक नहीं दिख रही है। मैम बुक नहीं दिख रही। मैम बुक नहीं दिख रही है। दीदी तुम कुछ कर रही हो? नहीं पता का है। हाँ बेटा जो लोग नहीं मैम बुक दिख रही है उनको रीड करना है। मैम बुक दिख रही है। आदित्य यादव आर्यन वर्मा रीड कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। दो लोग चलिए कीजिए बेटा। नहीं नहीं जो लोग किए हैं उनको नहीं करना। जो लोग नहीं किए हैं आर्यन वर्मा यादव अमन गुप्ता जल्दी से का क्यों नहीं रीड कर रहे हो आप लोग? सर बताइए आप लोग चंद्रमा को रात में देखते हो ना? हर्षित यस मैम। यस मैम देखते हो? यस मैम। क्या यस मैम आपने भी तारों को गिनने का प्रयास किया है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज कट कर हर्षित बेटा हर्षित चलिए प्लीज। चलिए बेटा अब सभी लोग देख पा रहे हो? बुक हम शेयर करने जा रहे हैं फिर से। कोई आवाज नहीं करेगा आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। सब लोग अपना वीडियो ऑन रखिए। हर्षित हर्षित यस मैम रीड कीजिए। यस मैम।
मैं 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14 यहाँ से शुरू चंदा प्यारा चंदा प्यारा चंद कभी गोल मोटोल स्टोल कभी डोरा मेरा रोज तेरा मेरा रोज रात में घूमने निकलता एक बार वह तारे गिनने लगा 1,50,00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 0,
यस मैम, यस मैम। आर्यन रीड करोगे आप? नहीं सुन रहे यहाँ रे विदान, चलिए आप रीड कीजिए विदान। मैम सुबह हो गई, सूरज बादलों से झांकने लगा और उसने चंदा गिनती भूल गया, बंगोज तारे गिनता, कभी पृथ्वी गिनती भूल जाता, फिर गिनना शुरू करता, अंगात बीत जाती। आजे उस दिन तो चंदा हो पाया, क्या हो जाता है, क्या मैं गिनती भूल गया हूँ, कभी गिनती पूरी ही नहीं कर पाता हूँ। चंदा के आंसू टपकते देख सूरज को हंसी आ गई, बस इतनी सी बात क्यों रोते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। चलिए बेटा चलिए अब रीड करेंगे आनंदराज। आनंदराज आनंदराज चलिए रीड कीजिए बेटा। आसमान बेटा आप लोग पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हो? अमन गुप्ता वीडियो ऑन कीजिए। मैम हम रीडिंग करें? आप कीजिए बेटा। हम रीडिंग करें। मैम सूरज बाहर निकला लेकिन आसमान खाली पड़ा था, कहीं एक भी तारा नहीं, सूरज ने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया, लेकिन छोटा सा भी तारा नहीं मिला, सिर झुकाए सूरज घर लौट आया, चंदा रूठ गया। जब तक यह नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं, मेरी तुमसे कट्टी बात नहीं करूंगा। अगले दिन सूरज फिर निकला
बादलों के पीछे से झांका, चट्टान के नीचे भी तलाश, पेड़ के पीछे ताका, पर तारे कहीं नहीं दिखे। सूरज परेशान शाम हो गई थी, वह थका हारा निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन भी उसने अपनी तलाश जारी रखी और जा पहुंचा एक छोटे से गांव। ढेर सारे बच्चों के साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे आसमान में है उतने ही सारे उतने ही तारे। अरे वह मालूम पड़ा सूरज घर की ओर दौड़ा पड़ा। चंदा मुझे मालूम पड़ गया आसमान में कितने तारे हैं, सच कितने हैं। चंदा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सूरज खुशी से बोला, धरती पर जितने बच्चों प्यारे प्यारे बच्चे प्यारे प्यारे आसमान में है उतने ही तारे। अब चंदा रोज निकलता, रात भर छुपा छुपी खेलता, सुबह बच्चों को जागते देखता और गाता। धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे आसमान में है उतने ही तारे। वेरी गुड बेटा। जो लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं ना, अगले दिन से उनको क्लास से बाहर करेंगे। अमन गुप्ता, अनंत राज, अमन पासवान। मैम हम रीडिंग करें। हाँ रीडिंग कीजिए, चलिए। हाँ चलिए। प्यारा चंदा कभी गोल मटोल तो कभी टेढ़ा मेढ़ा रोज रात में घूमने निकलता। एक बार वह तारे गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 14, 50, 300, 100, 1100, 1105, 1,12,000। सुबह हो गई, सूरज बादलों से झांकने लगा और फिर चंदा गिनती भूल गया। वह रोज तारे गिनता, कभी खुद ही गिनती भूल जाता, फिर गिनना शुरू करता और रात बीत जाती। अचानक रात, अच्छा रात बीत जाती, उसके बाद क्या होता है? उस दिन तो चंदा रो ही पड़ा, ये क्या हो जाता है, क्या मैं गिनती भूल गया हूँ, कभी गिनती पूरी नहीं कर पाता हूँ। चंदा के आंसू टपकते देख सूरज को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात, क्यों रोते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। सूरज बाहर निकला लेकिन आसमान खाली पड़ा था, कहीं भी एक तारा नहीं। सूरज ने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया लेकिन छोटा सा भी तारा नहीं मिला। सिर झुकाए सूरज घर लौट आया, चंदा रूठ गया। जब तक नहीं यह नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं, मेरी तुमसे कट्टी बात नहीं करूंगा। चलिए शिवम यादव यहाँ से पढ़ोगे आप। अगले दिन सूरज फिर निकला बादलों के पीछे से झांका, चट्टानों के पीछे भी तलाशा, पेड़ के पीछे भी ताका, पर तारे कहीं नहीं दिखे। सूरज परेशान
परेशान शाम हो गई कि वह थका हारा निराश होकर घर लौटा आया। अगले दिन फिर उसने अपनी तलाश जारी रखी और जा पहुंचा एक छोटे से गांव। ढेर सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। धरती पर इतने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में हैं उतने ही तारे। चलिए बेटा। अरे वाह, देखिए बेटा, मालूम पड़ गया। अच्छा, अरे वाह, मालूम पड़ गया। स्टॉप बेटा, सुनम स्टॉप। अच्छा तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी बेटा? सबको बहुत अच्छी लगी है मैम, बहुत अच्छी लगी। आज आप क्या करेंगे इस कहानी में जो संज्ञा शब्द है? अच्छी लगी बेटा। इस कहानी में जो संज्ञा शब्द है उसको लिखकर आप भेजेंगे आज के होमवर्क में। कहानी में आए हुए संज्ञा शब्द, ठीक है? यस मैम। यस मैम। अभी आपके ग्रुप में हम जो है इसको भेज देते हैं, आप लोग संज्ञा सब ढूंढ कर लिखेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, आज का सेशन यही एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।